अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने बर्ड्स नीचे वाले दिखाऊंगा। पहले वो आपको बर्ड्स दिखाऊं, फिर आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों आ जाए दोस्तों, नीचे यहाँ पर एक फिशर की फीमेल है जो माशाल्लाह तकरीबन एक साल की है, और उसके साथ लोटिनो का चिक है जो माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। इसमें क्या है कि इसकी जो फिशर की जो फीमेल है, इसका मेल मेरे पास नहीं है और ये सिंगल है। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने इनको बॉक्स दिया था कि ये ठंड से महफूज रहें, और बॉक्स का इन्होंने कर दिया बुरा हाल। और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने बॉक्स के अंदर क्या किया है। ये फीमेल जो इसके साथ कोई भी मेल नहीं है, ये सिंगल है। तो आपको अभी बॉक्स दिखाते हैं दोस्तों। ये वो बॉक्स है जो मैंने अपने बर्ड्स को दिया था अंदर रखने के लिए कि ये ठंड से ये महफूज रहे। लेकिन बॉक्स का क्या हाल किया है आप खुद देख रहे हैं। जगह जगह से इन्होंने ख़त्म कर दिया है इसको काट के। और आपको एक चीज़ भी दिखानी है कि इन्होंने अंदर एक चीज़ की है, वो मज़े वाली है। वो पहली दफ़ा मैंने भी देखी है कि एक सिंगल फीमेल जिसके साथ कोई मेल नहीं है, और इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। तो आपको अभी इसके अंडे भी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, तीन अंडे दिए हैं फीमेल ने, लेकिन ये फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, क्योंकि इसके साथ मेल नहीं है। तो लाजमी है कि ये इनफर्टाइल है, और मैंने चेक भी कर लिए थे और ये इनफर्टाइल ही है। और आप खुद बताएं कि मैंने तो पहली बार देखा है कोई फीमेल अकेली पहली दफ़ा हमारे सेटअप पे अंडे दिए। वैसे मैंने सुना था कि फीमेल हीट पे आती है तो अंडे दे देती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में इसे देखा है। और आपको अभी बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, तीन अंडे, और तीनों के तीनों इनफर्टाइल है। तो इंशाल्लाह मैं इस फीमेल के लिए एक मेल भी जल्दी से लेके आऊँगा, ताकि ये ब्रीड हमारे पास करे और इंशाल्लाह अच्छे बच्चे भी आएँ। और ये फीमेल बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक साल से बड़ी हो गई है, तो इसके लिए मेल अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे मेल मिलेगा तो इसकी जोड़ी भी लगाऊँगा और आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। दोस्तों आपने खुद देख लिया कि प्लाई वाले जो बॉक्स होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, और जो लकड़ी वाले बॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अभी आपको मैं वो लकड़ी वाला बॉक्स भी दिखाता हूँ जिसको दो साल हो गए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह बिल्कुल नया लगा पड़ा है। तो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है लकड़ी वाला बॉक्स, इसको तकरीबन दो साल हो गए, और माशाल्लाह देखिए अभी भी इसकी कंडीशन बिल्कुल नए लगे पड़े हैं, और ये अच्छे भी हैं। और जो ये प्लाई वाला बॉक्स होता है ये सस्ता तो होता है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आपको मैं यही सजेशन करूँगा कि प्लाई वाले जो बॉक्स होते हैं आप नहीं लिया करें, लकड़ी वाले जो बॉक्स होते हैं वो लिया करें, वो अच्छे होते हैं। दोस्तों अभी मैं बॉक्स इनको नहीं दूंगा, ये जगह जगह से कीले निकली हुई हैं, और ये खुदा न खास्ता ये अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कीलें जो हैं बहुत ख़तरनाक है। तो ये बॉक्स हम निकाल देते हैं, और अब क्या करते हैं इनको मटकियाँ देते हैं ताकि ये ठंड से महफूज रहें। और दो मटकियाँ मैंने इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक फ़िशर की फ़ीमेल है और एक लोटिनो का चिक है जो बड़ा है माशाल्लाह अभी। तो ये अलग अलग रहें, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे तो लड़ेंगे। अगर एक मटकी मैं इनको दूंगा तो ये आपस में फ़ाइट करेंगे, और ये सही नहीं है। तो इसलिए अभी मैं इनको जो है मटकी लगा देता हूँ। तो मटकी में मैंने क्या किया है, नीचे बुरादा डाला है, और बुरादे के ऊपर मैंने नेस्टिंग कर दी है ताकि ये गर्म रहे और ठंड से ये महफूज रहें। मटकियाँ मैंने रख दी हैं, एक उधर रखी है और एक इधर रखी है, और थोड़ी दूर दूर करके रखी है ताकि एक दूसरे से लड़े नहीं। और यहाँ पर एक मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा मेल लेके आऊँ फिशर का, और उसको छोड़ दूँ ताकि ये पैर बना दे और हमारे पास ब्रीड भी आ जाए। बाकी एक लोटिनो का जो बच्चा है उसके लिए भी सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा दूसरा लोटिनो, वो भी इंशाल्लाह लेके आऊँगा। दोस्तों ये हमारा ब्लू पर्सनाडा का पेड़ है जो मैंने आपको बताया था, इसके तीन चिक थे और तीनों के तीनों एक्सपायर हो चुके थे। तो अभी माशाल्लाह से इन्होंने दोबारा से ब्रीड जो की है, इसमें हमारे पास तीन एग्स आ चुके हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि चौथा अंडा भी जल्द दे देगी। और इंशाल्लाह इस बार जो ये ब्रीड करेगी तो उसमें हमारे पास अच्छे से चिक्स आएंगे, और ये उनको फीड भी कराएंगे, और इंशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे। और आप भी दुआ कीजिएगा कि इस बार ये सर्वाइव कर जाए। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर था, आज के व्लॉग को यहीं पर करेंगे ख़त्म। और दोस्तों मैं आपसे माजरा चाहता हूं क्योंकि मेरा व्लॉग काफ़ी देर से आ रहा है, तकरीबन 8 दिन 10 दिन गैप में आ रहा है। तो वो इस वजह से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न जो चल रहा है, तो इस वजह से मैं अपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। और दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम पर इंशाल्लाह व्लॉग मिलेंगे,
और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।